आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बंगाल की खाड़ी में चीन के अंत का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। दुनिया की चार महाशक्तियां चीन के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने के लिए बेताब हैं, क्योंकि क्वाड का सब्र अब खत्म हो चुका है। अब चीन की कब्र खोदने की बारी है, क्योंकि चीन को मालूम है समंदर में वो बेदम है। बंगाल की खाड़ी में युद्ध का ट्रेलर, समंदर में बारूद, चीन का ताबूत। मोदी के तीन या जिनपिंग का काम तमाम। कोर का दम, नीले पानी में रेड आर्मी होगी बेदम। भारत की मुट्ठी में चीन की गर्दन, चार के चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। खत्म हुआ क्वाड का सब्र, समंदर में खुदेगी चीन की कब्र। भारत, अमेरिका और जापान, ये तीन शक्तियां पहले मालाबार में युद्धाभ्यास करते थे, लेकिन अब मालाबार के युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो गई है। और अब मोदी के तीन या जिनपिंग का काम तमाम करने की तैयारी में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आने से चीन समंदर में पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और अब चीन की सांसें क्वाड देशों के हाथ में है। बंगाल की खाड़ी थर्राने लगी है, चीन के सनकी तानाशाह जिनपिंग की नींद उड़ने लगी है। पूरी दुनिया की निगाहें बंगाल की खाड़ी में जम गई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन यार जिनपिंग का काम तमाम करने के लिए बेताब बैठे हैं। मालाबार में युद्ध अभ्यास में जो अब तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। क्वाड देशों का दम देख जिनपिंग का सिंहासन डोलने लगा है। क्वाड का दम देखिए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी दुनिया की चार महाशक्ति का मिलन इस बार मालाबार के युद्ध अभ्यास में हो रहा है। चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार के युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के आने से चीन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले सिर्फ भारत और अमेरिका ही मालाबार युद्ध अभ्यास करते थे, लेकिन अब क्वाड देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के आने से बंगाल की खाड़ी में चीन हर तरफ से ब्लॉक हो गया है, मतलब चीन की सांसें क्वाड देशों के हाथों में है। और बड़ी बात यह है
कि मालाबार का युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त ऐसे समय में शुरू हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और क्वाड देशों की नौसेनाओं की एकजुटता को खुद चीन अपने लिए चुनौती मान रहा है। मतलब चीन को एहसास हो गया है कि चार के चक्रव्यूह में वो फंस चुका है, क्योंकि इस बार मालाबार के युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना की शक्ति चीन की मौत का ट्रेलर होगा जिसे देख पूरा बीजिंग कांपने लगेगा। इस बार मालाबार युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS रणविजय, INS शिवालिक, INS सुकन्याल, INS शक्ति जैसे जहाज शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पनडुब्बी INS सिंधुराज भी युद्धाभ्यास का हिस्सा होगी। साथ ही युद्धाभ्यास में नौसेना हॉक, P-81, डॉर्नियर, चीता, चेतक और ध्रुव जैसे एयरक्राफ्ट भी होंगे। सोचिए, ये सिर्फ भारतीय नौसेना के हथियार हैं जिनके नाम सुनकर ही ड्रैगन को पसीना आ जाएगा, लेकिन जब मोदी की विश्व आर्मी यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो फिर चीन का क्या होगा। आपको बता दें कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 1992 में अमेरिकी और भारतीय नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी। अब तक मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन 23 बार हो चुका है। जापान साल 2015 में मालाबार युद्धाभ्यास का स्थायी सदस्य बना, जबकि ऑस्ट्रेलिया पिछले कई सालों से इस युद्धाभ्यास में शामिल होने की इच्छा जताता आ रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में 2007 में हिस्सा लिया था, लेकिन भारत ने चीन के चलते ऑस्ट्रेलिया को कभी मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा। लेकिन अब चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं और ये इसी का नतीजा है कि मालाबार में युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान के साथ इस बार ऑस्ट्रेलिया भी चीन को ललकार रहा है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तब भारत ने सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन चीन ने इस पर एतराज जाहिर किया था। लेकिन भारत ने इस पर चीन की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि लद्दाख में चीन ने जो धोखा दिया उसका हिसाब करने का इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार के युद्धाभ्यास में शामिल कर लिया। अब 3 नवंबर से 6 नवंबर तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में चीन को उसके अंत का एहसास कराएंगी। इसके बाद दूसरे चरण का युद्ध अभ्यास 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। मतलब बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक चीन पर क्वाड का ऐसा वार होगा कि चीन थर्रा उठेगा, क्योंकि 2020 में चीन ने दुनिया को कोरोना की महामारी दी। अब इसी 2020 में चीन की कब्र खोदने का वक्त आ गया है, क्योंकि चीन के बढ़ते नापाक कदमों की आहट से पूरी दुनिया परेशान है। जापान और चीन के बीच वर्षों से सीमा विवाद है। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी चीन के खिलाफ खड़ा है। दुनिया के सभी देश साउथ चाइना सी को सभी के लिए खुला मानते हैं, जबकि चीन इस पर अपनी धौंस जमाता रहा है। यहां से गुजरने वाले ऑस्ट्रेलियाई फाइटर जेट पर भी चीन लेजर से हमला कर चुका है और अब चीन के नापाक हरकतों से त्रस्त होकर दुनिया के तमाम देशों ने एकजुट होकर चीन का काम तमाम करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
दरअसल क्वाड ग्रुप की हुंकार से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जो चीन अपने हथियारों पर इतना इतराता है उसे भी मालूम है कि वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लद्दाख में ही चीन पिछले 4 से 5 महीने के अंदर 5 बार भारत के हाथों पिट चुका है। अब जरा सोचिए, क्वाड जब एक साथ हमला करेगा तो क्या होगा। क्वाड कोर यानी 4 ताकतवर देशों की जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी, यही साझेदारी चीन का दबदबा तोड़ेगी, यही साझेदारी ड्रैगन का आग उगलता मुंह मोड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड नहीं चीन का काल है। अब जरा क्वाड के एक एक देश के साथ भारत की साझेदारी के बारे में समझिए। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका, क्वाड ग्रुप के देशों में सबसे ताकतवर है अमेरिका। चीन एशिया में डायरेक्ट एक्शन का जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए अमेरिका और चीन के बीच एक जमाने से कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका, भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए ट्रंप ने 2016 में भारत को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बनाया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो उनके दौरे से पहले ही भारत ने 19,760 करोड़ रुपए की लागत से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील कर ली। क्वाड कोर के पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, अब बात क्वाड कोर के दूसरे पार्टनर की है, ये पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिग डील हुई, अब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश था जिसने 1962 की जंग में भी हमारी मदद की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन आज के नहीं है, बल्कि क्वाड के 4 देशों में भारत ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशन सबसे पुराने हैं, आजादी से भी पहले के। दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े थे। युद्ध के मैदान में जितना भरोसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजादी से पहले था उससे भी ज्यादा आज है। हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑस इंडेक्स कहते हैं। चीन की हर चाल को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए जब जब चीन भारत पर बुरी नजर डालता है ऑस्ट्रेलिया खुलकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का साथ देता है। और अब देखिए उस देश के साथ भारत के सैन्य रिश्ते, जो देश अपनी बेजोड़ मेहनत, वक्त की पाबंदी और वादा निभाने के लिए जाना जाता है। क्वाड कोर के पार्टनर जापान, भारत और जापान की दोस्ती बहुत पक्की है। दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि दुनिया में जापान को ऐसा देश कहा जाता है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत जापान के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता हुआ। एशिया प्रशांत इलाके में समुद्री डकैतों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। मतलब साफ है, ये क्वाड का अटूट जोड़ है। इसके चक्रव्यूह में जो आएगा काम से जाएगा, फिर चीन हो या दुनिया का कोई और भी देश।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यही साझा युद्धाभ्यास इन दिनों चीन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि उसकी कब्र खुदनी अब यहीं से शुरू हो गई है।